आइए बढ़ते आगे और अब एचसीएल मिड कैप स्टॉक्स की करते हैं शुरुआत। सेठी साहब और कोठारी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे शामिल। मेहुल जी गुड मॉर्निंग, करें शुरुआत, बताएं सर आपके लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग बाकी सभी को भी। अनिल जी आज हमारी जो लॉन्ग टर्म पिक है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, वो है अंबिका कॉटन। अंबिका कॉटन बहुत ही अच्छा करेक्शन है और पिछले कुछ महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये रेट जो है रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। 1475 के करीब ट्रेड हो रहा है, 1300 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है, 1825 का हमारा टारगेट रहेगा अंबिका कॉटन में। ओके, टेक्सटाइल स्टॉक अंबिका कॉटन और टेक्सटाइल स्टॉक में मतलब थोड़ी देर में रेमंड्स का टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में। आपको सेक्टर और कंपनी का थोड़ा और डिटेल आउटलुक भी मिलेगा, तब तक आइए सेठी साहब से जानते हैं उनकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी लॉन्ग टर्म पिक देने से पहले आपके बर्थडे गिफ्ट के बारे में चर्चा करनी है। अनिल जी एमटा टेक दिया था कल, जी जी फ्राइडे आपके बर्थडे गिफ्ट के तौर पे, आज स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त तेजी चल रही है, 5% ऊपर है। 1860-70 में दिया था, अभी 1970-1980 के लेवल्स पे आ गया, 100 रुपए की तेजी हो गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर इतनी बेहतरीन गिफ्ट के लिए, वाकई में जबरदस्त कमाल करता हुआ दिख रहा है आपके लिए एमटीआर टेक। बताए सर आज की लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज का जो लॉन्ग टर्म स्टॉक है ये भी एक बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है, बार बार कई बार रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है। स्टॉक का नाम है अपार इंडस्ट्रीज। ये कंपनी एक लीडिंग कंपनी है पावर कंडक्टर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, स्पेशलिटी ऑयल्स और पावर टेलीकॉम केबल्स बनाने में। मार्की क्लाइंट लिस्ट है L&T है, कल्पतरु पावर, रिलायंस, BSNL, इन सबको कैटर करती है। 450 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, फिर 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। पावर सेक्टर भी फोकस में और कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। इसके अगर रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोज टू 23%। फिर डेट लेवल्स भी कम है, 0.15 के डेट इक्विटी रेशियो। FISDAs भी बुलिश लगते हैं, जिनमें सभी नामी गिरामी नाम है, HDFC है, L&T है, निपॉन है। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से 15-16 के मल्टीपल पे स्टॉक बहुत ही सस्ता लगता है, तो इसको खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 3500 रुपए। 3500 रुपए के टारगेट के लिए करें खरीदारी अपार इंडस्ट्रीज में, ये राय आपके लिए हिसाब की तरफ से। थोड़ी देर में लेंगे पोजीशन पिक्स भी, लेकिन उससे पहले आइए वक्त न्यूज पर यूज सेगमेंट का, मुलाकात करते हैं रेमंड से। आइए बढ़ते आगे और वक्त है 10 की कमाई के कुछ बेहतरीन स्टॉक्स लेने का। कुणाल जी राकेश जी हैं तैयार, कर रहे हैं इंतजार अपनी बारी का। बताएं सर 10 की कमाई का शेयर। अरे जी देखिए, 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने फिर एक बार चुना है हुडको को। हुडको पर मैंने और राकेश जी ने हाल में भी और उससे पहले भी नीचे के लेवल्स पर खरीदारी कराए दी है। स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, तो हुडको का चार्ट पहले की तुलना में बहुत बेहतर हुआ है। एक बड़ा कंसोलिडेशन बेस बिल्डिंग पूरी हो चुकी है, तो इन स्तरों पर और गिरावट में हुडको को बाय करके चलने की राय है। ओवर टू राकेश जी। जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है इस स्टॉक को, मैं और कुणाल जी कंटिन्यूसली 45-46 से रिकमेंड करते आ रहे हैं, 90 प्लस के टारगेट हैं। और आज जो हम इसको दोबारा से रिकमेंड कर रहे हैं उसका कारण यह है कि कुणाल जी के अनिल जी मस्तिष्क में आइडिया आया कि क्यों ना हुडको के लिए भी परमानेंट डेबिट ले लिया करें जैसे ऑटो के लिए लेते हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर अनिल जी अच्छा है, हल्की फुल्की करेक्शन पे अगर 57-58 के अराउंड मिल जाए तो बेहतरीन सर है। 90 प्लस के टारगेट हुडको में ओवरवेट खरीदारी की राय है। हुडको ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने गया है। कुणाल जी आप भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं यार, कुणाल जी को दिखाइए। अनिल जी तुरंत, अनिल जी हाँ, एनवायरनमेंट पर्यावरण में अनिल जी बड़ा बदलाव हुआ है। अनिल जी देखिए बड़े बुजुर्ग बोलते हैं उसका बड़ा फर्क पड़ता है इमीडिएट हमें देख के बग्गा साहब, हमें देख के कोई नहीं सुधर रहा, आपको देखते देखो सबके मन में एकदम आ गया कि बग्गा साहब अगर पहन के आए मंडी पर फिर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए बग्गा साहब से हम सब इंस्पिरेशन लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं। सर बताएं ये ओपेक प्लस ने जो किया है प्रोडक्शन कट करने का जो फैसला, बार बार ये बोल रहे हैं, वाकई में कट कर रहे हैं कि ये हाथी के दांत खाने के अलग हैं दिखाने के अलग हैं? देखिए सऊदी के जो है सऊदी का जो रवैया था कि काटा जाए, बट बाकी कोई भी तैयार नहीं था क्योंकि रशिया अपनी कैपेसिटी से कम कर रहा है ऑलरेडी उत्पादन, तो वो कटौती कर नहीं सकते। अफ्रीका के जो
है अंगोला और नाइजीरिया स्पेशली, वो कैपेसिटी से बहुत नीचे हैं ऑलरेडी काफी कारणों से, तो उनको कुछ कटौती करनी नहीं थी। यूएई जो है स्पेशली अबू धाबी, उनकी कैपेसिटी बढ़ गई है, वो अपना बेस बढ़ाना चाह रहे थे और उनको मिल गया, उनको दो लाख बैरल दिन के वो एडिशनल करेंगे। तो फिर सऊदी ने देखा कि कुछ करार तो हो नहीं रहा है, उन्होंने यही कह दिया कि मैं वॉलंटरली कट कर लेता हूं, क्योंकि जो प्रिंस अब्दुल अजीज हैं उनके जो ऑयल मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते भी चेतावनी दी थी कि तेल की कीमतें गिर रही हैं, ये जो स्पेक्युलेटर्स हैं जो मार्केट में पोजीशन बना रहे हैं इनके कारण गिर रही हैं, और इनको मैं चौकन्ना करता हूं, इनको चेतावनी देता हूं। तो सऊदी का बहुत मंशा थी कि काटी जाए प्राइसेस, क्योंकि उनको स्ट्रेट फिर फायदा हो रहा है। और अनिल जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने उस दिन पढ़ा कि सऊदी क्रूड ऑयल तो रशिया से ले रहा है और अपना डीजल बेच रहा है यूरोप में, जो भारतीय कंपनियां भी कर रही हैं। हम क्रूड ऑयल रशिया से लाके रिफाइन करके, क्योंकि यूरोप में डीजल की कीमतें बहुत ऊंची हैं, हम वो कर रहे हैं, बट इतना बड़ा उत्पादक, दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, वो भी रशिया से ले रहा है तेल, क्रूड ऑयल ले रहा है, उसको रिफाइन करके यूरोप में डीजल में के तौर पे बेच रहा है। तो ये सैंक्शंस जो है रशिया पे इस तरह से तोड़े जा रहे हैं सऊदी के द्वारा भी। तो ओवरऑल तेल की कीमत में ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए, एक रिएक्शन जरूर आया, 4% कीमतें बढ़ी आज सवेरे जब एशियाई बाजार खुले, कल रात को 2% ऊपर थे जब 7 घंटे बैठक चलती रही और 3 घंटे बैठक लेट शुरू हुई। तो क्या होता अनिल जी, ये पीछे ही करार हो जाता है, नॉर्मली सऊदी रशिया एक दो बड़े प्रोड्यूसर्स के बीच में करार हो जाता है और बाकी सब फॉल इन लाइन हो जाते हैं, बट कल करार हो नहीं पाया, तो इसलिए सऊदी ने निजी कैपेसिटी 10 मिलियन बैरल से 9 मिलियन बैरल वो प्रोड्यूस करेंगे अगले जुलाई ऑनवर्ड्स। और दूसरी बात है, जनवरी से भी जो प्रोडक्शन कट चल रहे हैं 3.6 मिलियन बैरल दिन के, मतलब दुनिया की 3.6% आप कैपेसिटी ले लीजिए जो ये कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जनवरी में भी वो जारी रहेंगे, वो इस साल तक था प्रोडक्शन कट, जनवरी में भी रखा है, उसका मार्केट पे कोई असर नहीं है। मार्केट को यही लगा था 1 मिलियन वो जुलाई से पूरे ओपेक का काट देंगे, जो कि असली में आ सकता था। अभी क्या है, अगर अफ्रीकन और बढ़ा सकते हैं बढ़ाएंगे, रशियन अगर बढ़ा सकते हैं बढ़ाएंगे, क्योंकि काफी कंट्रीज ऑलरेडी कोटा से कम प्रोड्यूस कर रहे थे। तो ओवरऑल तेल पे इसका ज्यादा असर नहीं होना चाहिए, असर बड़ा है चाइना के स्लोडाउन का, वहां कितना बड़ा स्टिमुलस आता है, असर बड़ा है अमेरिकन इकोनॉमी कैसे चलती है, वो दोनों बड़े फैक्टर्स रहेंगे। रशिया जितना उत्पादन कर सकता है कोशिश करेगा उतनी करती रहे। ओके, तो चलिए ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं आपके लिए इस वक्त कच्चे तेल को लेकर। आइए बढ़ते आगे, पोजिशनल पिक्स का वक्त है और आइए पोजिशनल पिक वाले कोठारी साहब से जानी जाए, अंबिका कोटर ने पसंद है, बताएं सर। अनिल जी, आज की मेरी जो पोजीशन पिक है वो है केपीआर मिल, ये भी टेक्सटाइल सेक्टर से ही है, 600 के करीब ये ट्रेड हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है कंसोलिडेशन के बाद, तो 550 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है और इसका अपसाइड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 700 रुपए का। सो केपीआर मिल आज की पोजिशन पिक। ओके, तो ये है आपके लिए केपीआर मिल्स, यहाँ पर खरीद क्या मेहुल जी, आज सारे टेक्सटाइल के विचार है, कुछ और भी कुछ खास ज्यादा करनी पड़ेगी वीकेंड में, शॉपिंग ज्यादा की था और यहाँ पर सारे जो स्टॉक्स निकल गए वो मेजरली टेक्सटाइल के ही आए हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि ज्यादा शॉपिंग करनी पड़ेगी तो बदला ले रहे हो, कहीं तो ना खर्चा हो गया वीकेंड पे, तो उसका उसकी भरपाई कहाँ की जाए कपड़ों पर? जी नहीं। ओके, तो चलिए मेहुल जी की तरफ से अंबिका कॉटन केपीआर मिल्स खरीदारी करने की राय, जय की तरफ से भी आ रहा है आपके लिए कैश का ऑप्शन, लेकिन उससे पहले सेठी साहब दे रहे हैं आपको पोजिशनल पिक, बताए सर। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो पोजिशनल पिक है, स्टॉक का नाम है जीएमएम फॉडलर, जो अभी 1455 के लेवल्स पे ट्रेड करता है, एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, एक हेवी इंजीनियरिंग कंपनी है जो मेनली ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स बनाती है, जो कि
फार्मा, फिर स्पेशलिटी केमिकल्स और एग्रोकेमिकल्स, इन सब सेक्टर्स में काम आते हैं। 50% से ज्यादा का भारत में मार्केट शेयर है। फिर एक जेवी है ये फोडलर इंक, जो जर्मन कंपनी है उनके साथ, और वो इस कंपनी में अराउंड 14.56% स्टेक भी ओन करते हैं। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। मार्च तिमाही भी बहुत ही दमदार थी, 36 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल मार्च तिमाही में 17 करोड़ का पैट था। फिर FISDIs भी अराउंड 30% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें आदित्य बिरला सनलाइफ है, HSBC है, प्लूटस है, एक जबरदस्त 2500 करोड़ के करीब की ऑर्डर बुक भी है इसकी। तो स्टॉक अच्छा लगता है, मुझे लगता है करंट लेवल्स पर बिल्कुल खरीदना चाहिए। 1550 का मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है और 1410 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। 1410 का स्टॉप लॉस खरीदारी करें आप इस वक्त GMM फोडलर में। ये राय आपके लिए सेठी साहब की तरफ से, राय ली जाए जय ठक्कर से भी। वक्त है कैश का ऑप्शन। गुड मॉर्निंग जय, स्वागत है आपका, बताएं आज की ऑप्शन स्ट्रेटजी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी खरीदना है 18600 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का, 102 रुपए पर अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें 64 रुपए पर एक स्टॉप लॉस लगाकर इसको खरीदना है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव अनिल जी यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखिएगा। ऊपर में टारगेट जो निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट इज 157, 157 का, दूसरा टारगेट है 176। So 157, 176 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे निफ्टी का 18600 का कॉल। अनिल जी 18600 के ऊपर डेफिनेटली ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट है 18750, 18800 के टारगेट्स के लिए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 18500 का अनिल जी कॉल ऑप्शन दिया था, उसमें एक अच्छी बढ़त देखने मिली, 90 पॉइंट्स ऑलमोस्ट निफ्टी अब आज। एंड अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब लास्ट वीक में 18400, 18300 की रेंज अनिल जी जो सपोर्ट निकल कर आ रही थी वो अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर 500-400 की हो चुकी है। सो सपोर्ट रेंज फॉर दिस वीक इज 18400 to 500, एंड 600 के लेवल्स के ऊपर आई थिंक एक फ्रेश ब्रेकआउट मानना चाहिए फॉर 18750-18800। तो ये है आपके लिए 18600 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय आती हुई। आइए बढ़ते आगे, और उससे पहले जल्दी से एक बार कमोडिटी बाजार का एक्शन जान लिया जाए, समझ लिया जाए। दीप से, दीप बताइए क्या है एक्शन। 20 पैसे कमजोर है रुपया, तो प्रेशर आज बढ़ रहा है। 8250 के लेवल को अभी अभी रुपए ने क्रॉस किया है। डॉलर इंडेक्स में हम देख रहे हैं ग्लोबली 104 के ऊपर गया है। कच्चे तेल में भी तेजी है, 1.5% ऊपर है, 6000 के लेवल पर अभी अभी आया। देखते हैं थ्रू द डे कैसे पैन आउट करता है। 1% की खरीदारी आप नेचुरल गैस में भी देख रहे हैं। डॉलर की मजबूती का असर गोल्ड और सिल्वर पर आ रहा है। 0.5% नीचे गोल्ड है 59500 के लेवल पर। सिल्वर पर भी आप वीकनेस आते हुए देख रहे हैं, करीब 150 रुपए का कट। और बेस मेटल्स पर भी प्रेशर बना हुआ है, 0.5% नीचे कॉपर ट्रेड कर रहा है। एल्यूमिनियम और जिंक में भी करीब 0.5% की गिरावट है, 1/4% नीचे लेड है। तो कमजोरी है डॉलर इंडेक्स की मजबूती से, मेटल्स में कमजोरी है, बट ओपेक के एक्शन से कच्चे तेल में आपको तेजी दिख रही है। और इसी पर रहेगा हमारा फोकस भी, क्रूड लगाएगा सैकड़ा, ये हम सवाल पूछने वाले हैं, क्योंकि ओपेक के एक्शन के बाद कई एजेंसीज हैं, कई ब्रोकरेजेस हैं जो अनुमान लगा रही हैं कि शायद $100 तक भी कच्चा तेल जा सकता है। कितना दम है इस दावे में, इस पर रहेगा फोकस। दिग्गज एक्सपर्ट से करेंगे बातचीत 11:30 बजे। क्रूड लगाएगा सैकड़ा, ये होगा आज कमोडिटी स्पेशल अनिल जी। तो ये है आपके लिए कच्चे तेल पर पूरा का पूरा एक्शन आते हुए। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है मार्केट आउटलुक हमारी खास सीरीज का। डायमेंशन कॉर्पोरेट फाइनेंस के एमडी अजय श्रीवास्तव साहब से करवाई जाए आपकी मुलाकात। छोटे से ब्रेक का वक्त है। 18600 के ऊपर निफ्टी है और 44150 के ऊपर बैंक निफ्टी है। ब्रेक जल्द लौटेंगे। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। आइए वक्त है आपके लिए कुछ और 10 की कमाई के शेयर जानने का। जैन साहब भी तैयार है हमारे साथ। जैन साहब बताएं सर आपकी पसंद का 10 की कमाई का शेयर। जैन साहब अनम्यूट करके बोलिए जी। यस सर आज मुझे पसंद है EIH एसोसिएटेड होटल्स अनिल जी, और अगेन एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी जिनकी 6 ट्राइडेंट होटल्स है। ट्राइडेंट और राजविलास देखिए, और ओबेरॉयज के नाम से इनकी शिमला में भी होटल है। तो 8 प्रॉपर्टीज की ये होटल ग्रुप है। नाम बहुत ही बेहतरीन था, 1983 में कंपनी स्टार्ट हुआ था और प्लेजेंट होटल्स के नाम से इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था। फिर ओबेरॉय होटल्स नाम हुआ,
एसोसिएटेड फिर ईआईएच लिमिटेड जो इनकी मेन कंपनी है ईआईएच एसोसिएटेड, और देखिए रहेजा ग्रुप और ओबेरॉय ग्रुप का एक जेवी था ये, और जीरो डेट कंपनी, और इतनी बेहतरीन क्वालिटी प्रॉपर्टीज हमारे जयपुर में राजविलास है, या फिर आपके उदयपुर में ओबेरॉयज है, ट्राइडेंट है, जयपुर में भी ट्राइडेंट है, तो इस तरीके की क्वालिटी प्रॉपर्टीज, डिलक्स फाइव स्टार होटल प्रॉपर्टीज है, और कई सारे अवार्ड्स वर्ल्ड ओवर एशिया में वर्ल्ड में इनको मिले हुए हैं। इनकी प्रॉपर्टीज को इनफैक्ट लोग एस्पायर करते हैं कि उन प्रॉपर्टीज में जाएं, अपने आप में हॉलिडे होते हैं, स्टेइंग देयर इज अ हॉलिडे। सो गजब की सेल्स थी, हाईएस्ट एवर एनुअलाइज सेल्स थी, हाईएस्ट एवर एनुअलाइज प्रॉफिट्स थे, लास्ट के दो क्वार्टर गजब के गए हैं कंपनी के, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में और अच्छा करेगी, क्योंकि जिस तरीके से टूरिज्म का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, राजस्थान लोग आ रहे हैं, और अब आजकल पहले तो क्या होता था कि राजस्थान में लोग गर्मियों में नहीं आते थे, सीजन को देख के आते थे, अब ऐसा लगता नहीं कि हो रहा है। तो ईआईएच एसोसिएटेड की एक मैं डिस्क्लेमर भी दे दूं, ये स्टॉक को मैंने आके पीछे काफी बार रिकमेंड किया हुआ, तो हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स के पास और हमारे एसोसिएट अकाउंट्स में हो सकता है, बट एनीवेज आई रियली लाइक द स्टॉक। एफआईआईएस की 13.42 पब्लिक की 4-5% शेयर होल्डिंग है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में 7-8% पब्लिक में है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को यहाँ पे ले और आराम से ये स्टॉक 575 के टारगेट के लिए। ओके, कितना टारगेट बताया जिन साहब? 575 575 का टारगेट ईआईएच एसोसिएट। आइए वक्त है एक और न्यूज पर न्यूज सेगमेंट का। कल से एक आईपीओ की होने जा रही शुरुआत, आईक्यू लाइटिंग, अगर मैं सही पढ़ रहा हूं तो। आइए करते हैं इसके टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात। आईक्यू लाइटिंग IKIO ये है वो कंपनी जिसका आईपीओ कल खुलने जा रहा है, 8 तारीख को होगा बंद गुरुवार को, और 16 तारीख को लिस्टिंग होने की संभावना। इशू का जो प्राइस बैंड है देखेंगे कि इस आईपीओ में पैसा लगाया जाए नहीं, कल सुबह आपके लिए आएगी इस पर राय। आइए तब तक राय ली जाए, मैं उनको ठहरे हिसाब से शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर बताएं सर। अनिल जी, आज की मेरी जो शॉर्ट टर्म पिक है वो है नाइका, जो नाम है उसका एफएसएन ई कॉमर्स, 132 के पास ये चल रहा है, 122 के स्टॉप लॉस से इसको लेना है, इसका अपसाइड टारगेट रहेगा 3-4 महीने में 152 का, इसका स्टॉप लॉस 152 का टारगेट, नाइका करें खरीदारी। सेठी साहब बताएं सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की शॉर्ट टर्म पिक है एक शुगर स्टॉक है, वापस से द्वारकेश शुगर में खरीदारी करने की सलाह, जो अभी 90 रुपए के आसपास है, जबरदस्त कर रहे हैं शुगर स्टॉक्स। मुझे लगता है जिस तरह से इंटरनेशनल रोड शुगर के प्राइसेस बढ़े हैं, और दूसरा जो एथेनॉल की एक स्टोरी है, जो भारत का 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की ओर हम जा रहे हैं, तो वहां पे जो डिमांड बढ़ने वाली है, और इस कंपनी ने अपना नया एक डिस्टिलरी भी शुरू किया है, तो ऑल इन ऑल फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है शुगर स्टॉक्स अच्छा करेंगे, तो यहाँ खरीदारी करने की सलाह। शॉर्ट टर्म टारगेट है 100 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना 85 रुपए का, 85 का स्टॉप लॉस, 100 का टारगेट, और 10 की कमाई देने के लिए जय ठक्कर भी तैयार। उससे पहले जल्दी से एक बार थोड़ा बग्गा साहब से चाइना के प्रॉपर्टी मार्केट पर राय ली जाए। बग्गा साहब बताएं क्या चल रहा है। अनिल जी, मार्केट मूविंग खबर थी फ्राइडे को कि चाइना शायद स्टिमुलस लाएगा प्रॉपर्टी मार्केट के लिए। प्रॉपर्टी मार्केट उनका काफी मंदी में चल रहा है, और लगभग 18% जीडीपी प्रॉपर्टी मार्केट पे निर्भर है, स्पेशली जो उनका लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत चलती हैं प्रॉपर्टी मार्केट के चलते। तो ये अभी अनकन्फर्म न्यूज थी, बट ब्लूमबर्ग ने ब्रेक की थी फ्राइडे को, इसका भी असर हमने अमेरिकन मार्केट पे देखा, और हमारे मेटल्स इंडेक्स जिस तरह से बढ़ा जब ये खबर आई। तो देखते हैं इस हफ्ते अगले हफ्ते अगर कुछ निकल के आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। एक स्टिमुलस आ सकता है चाइना में प्रॉपर्टी की तरफ और इन्वेस्टमेंट की तरफ, और इसके चलते जो ग्लोबल कमोडिटीज हैं वो थोड़ा रैली कर सकते हैं, स्पेशली मेटल्स। मेटल्स में रह सकती है मजबूती चाइना की, ये नंबर्स के दम पर पीएमआई, और इस हफ्ते बग्गा साहब से फिर मुलाकात करनी, 8 तारीख को तो क्रेडिट पॉलिसी के विशेष पैनल पर सर होंगे, तब भी उनसे राय लेंगे। लेकिन उससे पहले आइए, जय ठक्कर तैयार है अपनी 10 की कमाई के स्टॉक के साथ, जय बताएं। अनिल जी, डिलीवरी ये स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है, बहुत ही अच्छा एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ, और जिसका मुझे लग रहा है कि लोअर एंड पर एक बेस फॉर्म हो चुका है करीब 346 पर, विद दैट एज अ स्टॉप लॉस 346 का इसको खरीदना चाहिए अनिल जी। इसके टारगेट्स मुझे लग रहा है 390 ये पहला टारगेट रहेगा, 415 का दूसरा, सो 390-415 ये दो टारगेट्स के लिए डिलीवरी को खरीद सकते हैं 346 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो डिलीवरी है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई
जय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जय आपका और धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब का शुक्रिया, सुमित जी और संदीप जैन साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, एसपीएल वाले दोनों ही, सेठी साहब और कोठारी साहब का शुक्रिया, विशेष शुक्रिया बग्गा साहब का भी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और हमारे बाजारों का पूरा हाल हमें समझाने के लिए। आप सबसे दोपहर में फिर होगी मुलाकात, देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। आइए अपनी जगह पर आप सब खड़े हो जाएं। जय हिंद।